नमस्कार बच्चों, एसआरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। चैप्टर 5 है क्लास 10th का, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो 2 में क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म, आपको स्टार्टिंग की 4 टर्म लिखनी है, और जो रखा है ऑफ द एपी, किसी एपी की, ठीक है। आगे देखा व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जिसकी फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है। तो क्वेश्चन तो हम सबसे पहले बाद में करेंगे, पहले मैं आपको 5 चैप्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है, वो नॉलेज बताता हूँ क्या क्या होगा 5 चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे पास अगर कई भी फर्स्ट 4 टर्म निकालो एपी की, तो उसका फॉर्मूला होता है, पहली टर्म होती है ए, दूसरी ए प्लस में डी, तीसरी ए प्लस में 2d, फिर आगे ए प्लस में 3d, ऐसे आपके पास चलती जाते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर ये कहां से लेके आया, भाई ये पहली टर्म है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, ऐसे चलती जाते हैं, ठीक है। टर्म का फॉर्मूला होता है, टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 into d। ये किसका फॉर्मूला होता है, nth टर्म निकालने का। nth टर्म मतलब भाई आप n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास टर्म आती रहेगी, ठीक है। अगर आपको n की जगह फर्स्ट पुट करना है, मतलब आप पहली टर्म निकालनी है आपको, जिसको हम a1 को फर्स्ट बोलते हैं, n की जगह हमने यहां पे 1 पुट किया है, तो आगे देखो भाई यहां पे क्या है, a है, n की जगह आप 1 पुट करोगे, 1 में से 1 गया तो 0, 0 को d से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 0 होता है। तो आप देखो फर्स्ट टर्म जो हम a1 बोलते हैं वो कितनी है, फर्स्ट टर्म a है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो आप टर्म निकालने का, क्या होता है, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जैसे हमने n की जगह 1 पुट किया, ऐसे आप 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ऐसे आपके पास एज सून आपके चलती जाते हैं, ठीक है। तो ये किसका होता है, an मतलब nth टर्म का निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें a को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, d को कॉमन डिफरेंस, भाई कितने का कॉमन है, कितने का डिफरेंस है, उनके बीच में अंतर, डिफरेंस को बोलते अंतर, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई एपी दे रखी है, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, ये एपी दे दिया, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस मतलब अंतर, मतलब पहली टर्म 1 है तो दूसरी टर्म 2 है, तो 2 और 1 का जो डिफरेंस है कितना हो गया, 1 हो गया ना, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया आपके पास एपी के अंदर जो मेन आपको मैंने बात बताई है, ठीक है। आगे इसके अंदर और कुछ आता है, तो वो क्या आता है वो ध्यान से देखो आप, इसके अंदर अब आता है सम ऑफ एंट्रेंस, सम भी आता है एंट्रेंस, सम ऑफ एंट्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 होते हैं n by 2, 2a प्लस में n माइनस 1 into d, ठीक है। और एक होता है sn बराबर में n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, यहाँ पे an को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, मतलब एपी की जो सबसे आखिरी वाली टर्म को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। d का मैंने आपको बता दिया कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, a का फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और n को बोलते हैं टर्म, क्या बोलते हैं टर्म, ठीक है। sn को सम ऑफ एंट्रेंस, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो रहे हैं, आप इन दोनों को भी राइट कर लीजिए और इनको याद कर लें। अब आओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो, a और d की वैल्यू हमें दे रखी है, मतलब हमें व्हेन फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस d दे रखा आपको, ठीक है। आपको ओनली एपी की 4 टर्म निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है सर, ने फॉर्मूला a प्लस में d, a प्लस में 2d, कितने निकालनी, 4 निकालनी ना, 1, 2, 3 और 4, बस आपको ये चारों निकालनी है। तो 4 तक का फॉर्मूला आ रहा तो वैसे भी चलती जाती है आपके पास, ठीक है। तो देखो सबसे पहला टाइप कर रहा हूं मैं, सबसे पहला टाइप तो चलो आप खुद कर लेना, सिंपल है, मैं सेकंड करवाता हूं, ठीक है। सेकंड क्या है कि सेकंड में हमें a दे रखा है -2 और d दे रखा है 0, तो स्टार्ट यहां पे a से स्टार्ट है, तो आप यहां पे लिखो -2, आगे क्या है a प्लस में d, भाई 0 0 -2 में 0 ऐड करोगे तो -2 आएगा, -2, ये सिंपल सी बात है। यहां पे d की जगह 0 करोगे तो 2 को 0 से गुणा करो तो 0, a की वैल्यू वही -2, तो आगे -2, मतलब ये p हमारे पास क्या आ गई, -2 -2 -2, ठीक है। ये हमने सेकंड टाइप किया है। अगर हम इसी का एक पार्ट और करें, जैसे कौन सा करें इसका, देखो मैं कराता हूं वो फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या है कि a की वैल्यू कितनी है, -1 है, d की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ठीक है। वही तरीका, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, भाई फोर टर्म निकाल लेना, 1 2 3 4। देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, ओके पहली टर्म आ चुकी है, ठीक है। a प्लस में d
स्टार्ट a माइनस वन प्लस डी डी क्यू कितनी हाफ a a क्यू कितनी माइनस वन प्लस टू डी क्यू कितनी हाफ ओके a क्यू लिए माइनस वन प्लस थ्री डी क्यू लिए है हाफ ठीक है यहां पे माइनस वन भाई वन बाय टू प्लस का माइनस का वन मतलब माइनस प्लस माइनस होता है एक में से हाफ को माइनस करोगे तो हाफ तो बचेगा तो हाफ किसका बचेगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू वन है उसके आगे माइनस है ठीक है यहाँ पे देखो दो से तो दो कैंसिल हो गया माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया कितना बचा जीरो कितना बचा जीरो आगे क्या बचेगा वो ध्यान से देखो आगे हमारे पास यहाँ पे माइनस वन ठीक है आप इसको सॉल्व करो माइनस वन थ्री अपॉन टू तो यहाँ पे इसके अपॉन में वन लगा है एलसीएम कितना लिया टू तो यहाँ देखो टू लोगे तो टू माइनस टू प्लस थ्री थ्री में माइनस टू हो गए तो कितना बचा वन प्लस का वन बाई टू इसका बचा वन बाई टू तो सिंपल सी बात है माइनस वन बाई टू मतलब इसका डिफरेंस कितना ध्यान से देखो डी डी तो दे रखा है हमें हाफ मतलब हाफ हाफ का कॉमन डिफरेंस अंतर होगा वो हाफ का होगा भाई माइनस वन से हाफ आ रहे हैं हाफ का ही है माइनस हाफ से जीरो जा रहे हैं हाफ का ही है जीरो से हाफ आ रहे हैं तो हाफ का ही है हाफ से फिर हाफ ऐड करोगे तो कितना आता है वन तो आगे एक और टर्म निकालते हैं तो क्या आती है वन आती है ठीक है तो आपको ये पॉइंट पड़ा है ये भी आपको सोल्व करना है सेम ऐसे मेथड से पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आपको ऐड प्लस करने ऐड प्लस आपको करने आते हैं तो आप इसके वन टू थ्री फोर और फाइव ये पांचों पार्ट आप इसको सोल्व कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दे रखा है फॉर द फॉलोइंग एपी मतलब हमें इसके चार टाइप दे रखे हैं वो एपी दे रखी है हमें ठीक है राइट द फर्स्ट एंड टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मतलब हमें क्या निकालना है एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस ठीक है तो कॉमन डिफरेंस जो हम बोलते हैं डी कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं डी कैसे निकालते हैं ए टू माइनस ए वन मतलब सेकेंड टर्म में से पहले टर्म माइनस कर दीजिए वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है ठीक है तो सबसे पहले इसका टाइप करते हैं फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप क्या रखा आपको ध्यान से देखो थ्री कॉमा वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस थ्री तो फर्स्ट जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं ए कितना आ गया थ्री आ गया ठीक है अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है ए टू माइनस ए वन मतलब सेकेंड टर्म क्या है सिर्फ की वन है फिर आगे माइनस फर्स्ट टर्म थ्री है माइनस थ्री प्लस वन तो प्लस माइनस तो माइनस होता है तीन में से गया तो दो लेकिन निशान माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू तीन है तो उसके सामने माइनस तो उसके सामने क्या लगेगा माइनस तो डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू आ गई ये हमारा कौन सा टाइप है पहला टाइप था ठीक है सेकंड टाइप आपको खुद सोल्व करना है थर्ड टाइप करवा रहा हूँ ठीक है थर्ड क्या है वन बाई थ्री कॉमा फाइव बाई थ्री कॉमा नाइन बाई थ्री कॉमा थर्टीन बाई थ्री सेम वही बात है भाई फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास ये तो फर्स्ट टर्म तो होगी भाई वन बाई थ्री आगे निकालते हैं डी जिसको बोलते कॉमन डिफरेंस जब फार्मूला होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए सेकंड टर्म है फाइव बाई थ्री इसमें फर्स्ट टर्म माइनस कर दी जिसका नाम है फर्स्ट टर्म का वन बाई थ्री देखो एलसीएम दोनों का सेम है तो फाइव माइनस वन फाइव माइनस वन फाइव में वन माइनस कर फोर अपॉन थ्री क्या आ गया डी आ गया डी मतलब कॉमन डिफरेंस ठीक है अब इसके जो पॉइंट वाले टाइप है वो और मैं आपको सॉल्व करा देता हूं देखो फोर्थ टाइप जो इसकी फोर्थ टाइप है वो देखो क्या है जीरो पॉइंट सिक्स कॉमा वन पॉइंट सेवन कॉमा टू पॉइंट एट कॉमा थ्री पॉइंट नाइन तो ध्यान से देखो सबसे पहले टर्म ये है ना जीरो पॉइंट सिक्स ये किसकी वैल्यू है एक ही है भाई एक ही वैल्यू तो हमारे पास आ गई जीरो पॉइंट सिक्स आ गई अब आपको निकालना है डी क्या निकालना है डी डी क्या होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए मतलब 1.7 में से कितना 0.6 माइनस करोगे करो माइनस कैसे करते हैं भाई 1.7 0.6 7 में 6 गया तो 1 ठीक है 0.1 का 1 क्योंकि 1 में 0 गया तो 1 बचेगा तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1.1 तो ये इसका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था